करण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेला शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने किया, जो कृषि मेला के शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि रहे। प्रोफेसर कंबोज ने कहा कि जल की लगातार बढ़ती खपत के चलते कृषि क्षेत्र के लिए जल की मात्रा घटती जा रही है, इसलिए कृषि के लिए जल की उपलब्धता एक मुख्य समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह जारी रहा तो आने वाले समय में सिंचाई तो दूर की बात, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल की भी भारी कमी हो सकती है। आज का जो ये कृषि मेला है, इसका मुख्य थीम जल संरक्षण रखा गया है, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार भी, भारत सरकार भी और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभाग हैं, सभी ये चाहते हैं कि पानी का संचय हो, इसको हम संरक्षित कर सकें, ताकि हम अच्छे उत्पादन के साथ साथ अपनी पीढ़ियों के लिए भी पानी को बचा के रख सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार इस कृषि मेले का आयोजन किया है। इस अवसर पर कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और जो हमारे कृषि में उपयोग होने वाले औजारों से संबंधित पूरी कृषि प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो नई किस्में, नई तकनीकें ईजाद की गई हैं, उनको भी दर्शाया गया है। और इससे भी बढ़कर इस बार हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो स्वदेशी रूप से ये किसान मेले को थोड़ा परिवर्तित किया है, जो हमारे नौजवान युवक, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले युवा किसान भाई, उन्होंने खुद से ही अपनी उद्यमिता का प्रयोग करते हुए कृषि को व्यवसाय के रूप में बदलने के लिए अच्छा कार्य किया है, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ताकि उससे प्रेरणा लेकर सभी किसान भाई अपनी आजीविका को बढ़ा सके और शुद्ध मुनाफा बढ़ा सके। प्रोफेसर कंबोज ने जल के साथ साथ किसानों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने को भी कहा। इन्हें डीजल ट्रैक्टर से ई ट्रैक्टर की ओर रुख करने की सलाह दी। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने फसलों के उन्नत किस्मों के बीज की आपूर्ति का उल्लेख किया और बताया कि हकरवी की तरफ से इन किस्मों को 35,000 क्विंटल बीज किसानों को दिया जाएगा। देखिए, हमने किसान भाइयों को लगभग 35,000 क्विंटल बीज जो है गुणवत्ता वाला, वो किसानों को पहुँचाया जाता है। और यहाँ पे हमने पूरे बीज की व्यवस्था की है, साथ में बाद में जो किसान भाई बच जाएंगे, अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम किसानों के द्वार तक भी बीज पहुंचाने का कार्य करेंगे। बता दें कि कृषि मेला में हरियाणा व पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म का भ्रमण किया, तो वहीं किसानों को कृषि मेला में कृषि फलों और सब्जियों आदि की उन्नत किस्मों, फार्म मशीनरी व यंत्रों, रासायनिक व जैविक उर्वरों, कीटनाशकों आदि के बारे में जानकारियां हासिल करने का अवसर मिला। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।